सो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, हॉन्टेड ऑन हियर। आज हम लोग खेलने वाले हैं हिटमैन 2। यहाँ पर भी मैं एक असैसिन हूँ, लेकिन ये असैसिन थोड़ा मॉडर्न लाइफ का असैसिन है। यहाँ पर भी मुझे किसी को असैसिन करना है, मेरा मतलब हिट करना है, बिकॉज आई एम हिटमैन। तो गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हिटमैन का पहला मिशन क्या है और करना क्या है हम लोग को। लेट्स गो। तो गाइस गेम कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इस गेम का पहला मिशन का नाम है नाइट कॉल। नाइट कॉल का मतलब वो कॉल नहीं है, नॉर्मल कॉल है। तो अपने खाली कॉल अटेंड करना है और देखना है कि इस गेम का कहानी का, इस मिशन के पीछे का स्टोरी क्या है। गाइस आज का वीडियो के लिए मैं खाली पहला ही मिशन करूंगा, देखते हैं क्या बोलना चाहता है ये मिशन और इस मिशन किसके बारे में है। नाइस। तो मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। सो वेलकम गाइस। एकदम जेम्स बॉन्ड के एंट्री है गाइस। इधर अपना हीरो आ चुके हैं बोट में, तो अभी अपने को अपना मिशन करना पड़ेगा गाइस। ओ भाई लेट्स गो। तो गाइस तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हिटमैन किस तरीके का गेम है, लेकिन फिर भी यार मैं बता देता हूँ कि हिटमैन एक टकलू इंसान होता है जो किसी का घर के भी घुस जाते हैं और किसी का भी कपड़ा पहन लेते हैं और किसी को भी पेल देता है भाई। अच्छा भागने के लिए मेरे को एक बटन दबाना पड़ेगा। वो बटन होता है वही बटन जो हम लोग सब दबाते हैं जब बंदे को भागना होता है। बैठ सकता हूँ और वापस उठ के भाग सकता हूँ। बैठ गया, उठ के भाग रहा हूँ। बैठ गया, अरे उठ के भाग रहा हूँ। कड़क। तो गाइस मुझे शायद से इस जो बिल्डिंग दिख रहा है एकदम मस्त वाला महंगा वाला बिल्डिंग है ये, तो इस बिल्डिंग के अंदर शायद से मुझे इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा यार। तो ग्राफिक्स तो बहुत बढ़िया है, तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले मैं जाता हूँ इसके बाद। ओ यार ये शायद ये, अच्छा ये जो है ये कैमरा का जो ट्रेस पॉइंट है। तो ओ मैंने गन ले लिया और ये मैंने कैमरा तोड़ दिया। According to the local home security, वहाँ पे भी और एक कैमरा है। The house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them yourself. तो अपन पूरा पहले यार कैमरा ढूंढते हैं और पहले कैमरा अपना जो भी है जितना भी कैमरा है सब तोड़ देते हैं। आपने को अपना शक्ल कहीं दिखाना ही नहीं है इस गेम पे, क्योंकि आप उन टकलू हिटमैन है और हिटमैन का काम क्या होता है उसका शक्ल नहीं दिखाना भाई, कपड़ा बदलते रहना है, समझा ना। मैं एक गेम इसी के लिए खेलता था भाई बचपन में, क्योंकि मैं बार बार कपड़ा चेंज कर सकता हूँ और मजा आता है कपड़ा चेंज करने में। तो कंट्रोल प्रेस करने से मेरे को शायद से ये सब विजिबिलिटी आ जाता है। तो वहाँ पे कुछ तो आइटम है लेकिन मैं नहीं उठा सकता, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है। चलो स्क्रू ड्राइवर मैंने उठा लिया, तो अब हम लोग जाते हैं। मेरे पास अभी क्या क्या है यार, एक स्क्रू ड्राइवर है, एक कॉइन है, कॉइन किस काम का पता नहीं, और यहाँ पे एक गन है, और यहाँ पे उसका लेजेंडरी वेपन है भाई हिटमैन का फाइबर वायर। फाइबर वायर। ओ यहाँ पे लाइन दिख रहा है यार, शायद से मुझे यहाँ पे कुछ करना है क्या। अरे क्लाइंब कर सकता हूँ मैं भाई, ये नहीं पता था यार। हाँ अच्छा ये लॉकपिक चाहिए मुझे इसके लिए। अच्छा मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा सकता हूँ भाई, बढ़िया। और यहाँ पे क्या है, ये डंडा दे दीजिए मुझे। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे कुछ है। ये क्या भाई, क्लोरोफॉर्म मास्क दे दीजिए। कार का बैटरी, कार का बैटरी जो है यार वो मैं अगर शायद स्विमिंग पूल में डाल दूंगा तो पूरा पूल इलेक्ट्रिक शॉक बन जाएगा भाई, मतलब वो शॉक से पूरा वो हो जाएगा भाई, जो होता है वो पूल में जब डालते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को। तो अपन डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। राइट क्लिक, नहीं फेंकना कैसे है भाई इसमें, भाई गिराते कैसे, मेरे को इधर इसको गिराना है। अच्छा इसे गिरा देते सीधा। कड़क भाई भाई, वो भाई अभी एकदम डेंजरस पानी हो गया, इधर पे कोई पैर नहीं देने का भाई। वैसे अपन देख सकते क्योंकि अपन तो रबर का कपड़ा पहना है। तो मैं जा रहा हूँ वापस से यार, मेरा टाई उल्टा पहना है क्या है इधर मेरे कंधे के पीछे जो भी लटक रहा था, मतलब अजीब तरीके से मैंने टाई पहना है भाई। तो मैं ये इधर से ऊपर से चढ़ के जाने की कोशिश करने वाला हूँ। यू कैन यूज ब्रेन पर्सन जस्ट टू स्नीक अंडर बट हो गया। चलो भाई इतना धीरे कौन चढ़ता है यार, चिपकल भी इधर से ज़्यादा अच्छा चढ़ लेगा भाई। तो मैं ऊपर वॉल्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ मैं अंदर जा पाता हूँ कि नहीं, बिकॉज मुझे अंदर जाना है और अनलॉक करने के लिए चाबी चाहिए। मेरे पास है क्या, नहीं है, चाबी भी मिसिंग है। इधर डेड बॉडी पड़ा और मैं जहाँ पे ऑलरेडी मैटर हुआ उधर मेरे को जाना क्यों भाई, मैं मतलब ये कांड करना क्यों चाहता हूँ यहाँ पे। अच्छा वैसे तो मैं हिटमैन में किसी बात के लिए डरता नहीं ना, ये तो है भाई, कुछ आइडिया नहीं है यार। चलो फिर वापस अपन जाते हैं जहाँ पे अपन ने नीचे जो दरवाजा खोला था ना वहाँ पे ही जाते हैं और देखते हैं वहाँ से अपन घर के अंदर जाके कुछ कर सकते कि नहीं। अभी के लिए मैं वॉल्ट करता हूँ भाई, आराम से बंटी।
और यहाँ पे मैं क्लाइम कर लेता हूँ, उतर जा भाई अभी। हाँ स्लाइड कर लिया। तो गाइस अपने को इस अपने घर के अंदर आ गए हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ स्कैन करके जाते हैं भाई। पता नहीं क्या क्या बचा इधर और क्या क्या करना है अपने को। क्या ये मैं खोल सकता हूँ? अनलॉक भाई, सबके लिए मेरे को लॉकपिक चाहिए यार इस गेम में, सबके लिए लॉकपिक लगता है। अच्छा ये दरवाजा खुल गया। तो गाइस ये है घर भाई, इतना बड़ा घर के अंदर का थिएटर। शायद से मुझे यहाँ पे कहीं शौचालय ढूंढना होगा, इसको मैं लेके रख देता हूँ, शायद बाद में काम आएगा किसी के ऊपर फेंकने का टाइम। भाई शौचालय में कुछ है तो बताओ यार मुझे। भाई बहुत ही ज्यादा अपने को वेपन्स मिल रहा है यार, अपने को हर एक वेपन पे ध्यान रखना होगा। इधर घंटी बज रहा भाई कुछ तो। एक्सक्यूज मी, किसी का कॉल लग रहा है। नहीं नहीं अभी मैं ताना रिपेयर वाले हैं, अभी नहीं आने का समझा ना। तो गाइस मैंने बाहर का तो पूरा कुछ देख लिया, ये घर पे भी कुछ ज्यादा चीज नहीं है जो जिसको मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर दिख गया। हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो ये मैंने कंप्यूटर में स्कैन मार दिया। हेलो अल्मा, लॉग इन फेल्ड। तो क्या देखो क्या लगा भाई, पासवर्ड कुछ भी डालेगा तो खुल जाएगा। ये क्या भाई, पहले इसको चेक कर लेते हैं। According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. अच्छा। Maybe a concealed space behind the wall. Check for hidden panels 47. अरे हिडन पैनल से खुल गया दरवाजा। क्या भाई इधर पासवर्ड का है, लॉक पिक है। For the office computer. अरे एविडेंस सब कुछ मैंने निकाल दिया भाई। और वैसे तो मैंने एविडेंस को छोड़ा ही नहीं, मैंने सारा कैमरा तोड़ दिया। Getting caught on tape is the last thing. ओह भाई इतना सारा वेपन सब उठा सकता हूं। अरे सब कुछ उठा सकता हूं भाई मैं तो। पर जाता एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है। मेरे को पहले वो सिस्टम में जाके वो पेंडर लगा के पासवर्ड से अनलॉक करना है पीसी को, और देखना है कि इस पीसी में ऐसा क्या सीन है, क्या रखा है इस पीसी के अंदर, क्या भाई कौन सा वीडियो है अंदर। जी जी ओ ओ ओ ओ, ओ जी जी एले एले ई ई गुलु गुलु म्यूजिक। भाई मैडम आ गई। ये है गाइस इसका नाम है रेनार्ड। अच्छा मुझे लगा रेमोंड है भाई, ये तो रेनार्ड है। तो मैं झुक के दीवार को छुपा के चल सकता हूँ, बहुत बढ़िया। और मेरे हाथ में कौन सा गन है भाई? भाई भाई शॉटगन नहीं यार, अपने लेजेंडरी पिस्तौल लेके रख, पिस्तौल से अपन काम चलाते हैं भाई। इधर पहले काम करते हैं अपन, यहाँ से धीरे धीरे भागते हैं। ए भाई दीवार से बाहर निकलना, मैं कैसे निकलूँ ये दीवार पे पूरा। अच्छा स्पेस बार से पकड़ लेते हैं, स्पेस बार से छोड़ देते हैं, बढ़िया। मेरे को सारा बंदे के ऊपर नजर रखना पड़ेगा भाई। एंड अच्छी बात यह है कि गेम ऑलरेडी में बता रहा है कि बंदा कहाँ पर है, तो अपने को उसकी हिसाब से खेलना पड़ेगा, किसी के नज़र में नहीं आना है। तो पहले यू आर द फर्स्ट वन ब्रो। ओके ये पहला बंदा भाई ये इसे तो मैंने देख लिया यार पहले ही। ये ले पकड़। I'm choking. ये कपड़ा मैंने पहन लिया भाई, कपड़ा दे यार मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तेरा कपड़ा पहन के। प्लीज गिव मी दैट क्लोथ्स ब्रो, थैंक्स फॉर द क्लोथ्स। अरे व्हाई यू बुलिंग मी, कपड़ा पहन मतलब पहन चार छोड़ यार, ये बेचारे को मैंने नंगा छोड़ दिया उधर। चलो बट ठंडी और तो बता ना, ठीक है। लोकेट द एग्जिट। ओके वहां पे दिख रहा भाई, शायद से मुझे बहुत दूर बाहर जाना है। अनलॉक कर लेता हूं और चुपचाप निकल जाता हूं भाई। हां अनलॉक कर ले यार। चलो गाइस इज्जत में निकल जाएंगे, ज्यादा भागेंगे नहीं, चुपचाप एकदम इज्जत में भाई। मैं तुझे नहीं जाता, तू मुझे नहीं जाता भाई। बस। अरे यार बहुत नजदीक आ गए, सस्पिशियस है भाई वो लोग मेरे पे। वो लोग अपने आप मर गए भाई, मैं तो इधर ऐसे ही बस काम करने आया था, तो मेरा काम हो गया, मैं इधर से निकल रहा हूँ। सबसे दूर अलग से हट के रहूंगा और यहाँ से कल्टी मार दूंगा भाई। इट वॉज फन प्लेइंग विद यू गाइस, बट नाउ इट्स टाइम आई नीड टू गो टू माई हाउस, यू नो हमारा टाइम आ गया गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं शायद से, तो उनके नजर में नहीं आना मुझे, बस मुझे मेरा रास्ता तक पहुंचना है, ना ही कोई मचमच करना है, ना ही कोई अभी प्रॉब्लम आना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा साइड से, किसी की नज़र में नहीं आऊंगा गाइस। ओ भाई बहुत ज़्यादा बनता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रोसीड विद कॉशन, लेकिन कॉशन के साथ कैसे प्रोसीड करूँ मैं? और धीरे धीरे चलता हूँ,
और किसी की नजर में नहीं आ रहा तो मुझे जाके फटाफट इसके अंदर झुकना पड़ेगा। ये लो मैं झुक गया, आई एम अ मास्टर असैसिन कंसीलिंग। लोग सर्च कर रहे हैं मेरे गाड़ी पे क्यों बैठा है यार। डिस्ट्रैक्शन तो मुझे एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे जो गैस कैन उसको फोड़ना पड़ेगा। या बॉय दैट्स हाउ वी डिस्ट्रैक्ट। पड़ जा भाई, कड़ा है भाई, निकलो यार तुम लोग बोट से, मेरे को मेरा घर जाना है यार। जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं भाग जाऊंगा गाइस प्लीज। नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को मार दिया भाई, मैं अभी और लोगों को नहीं मारने वाला हूँ। आई विल जस्ट लीव देम। तुम लोग जाओ भाई, वो जो फटाका फूटा है वो जाके देखो, दिवाली आ गया है। मैं जा रहा हूँ मेरे बोट के पास और फटफट यहाँ से निकल जाऊँगा भाई। तो ये मैं पहुँच गया एंड एग्जिट मिशन। तो गाइस फाइनली हम लोग ने हिटमैन का पहला मिशन सक्सेसफुली कर लिया। आई नो थोड़ा कुछ मार खाया मैंने, लेकिन मार करना जरूरी है। मिशन कम्प्लीट हुआ कि नहीं वही जरूरी है गाइस। तो फाइनली हम लोग ने हिटमैन का पहला मिशन कम्प्लीट कर लिया, दिस इज हिटमैन 2 गाइस। अगर तुम लोग को आज का हिटमैन का वीडियो पसंद आया तो बिना भूले लाइक करो यार, एंड हुआ तो तुम लोग के फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो। एंड हाँ यार, चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए बस आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना होगा। बिना भूले सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करो गाइस। व्हाट आर यू डूइंग गाइस, कम ऑन ना यार, जस्ट डू इट ब्रा। तो गाइस मिलेंगे कुछ और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉरर ट्रॉन साइनिंग ऑफ।